हेलो यूट्यूब, मेरा नाम है प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक ट्रैक्स और चलिए खत्म करते हैं। मेरा इंट्रो ऐसा होता अगर मैं हिंदी में बोलता। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभय मेरे पे इनवाइट करने के लिए फॉर दिस कोलैबोरेशन। मैं नॉर्मली इंग्लिश में टेक वीडियोस करता हूँ बट आज हम हिंदी में बात करेंगे। ओके गाइस, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुलकर्णी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी टेक्नोलॉजी चैनल गैजेट गुरु प्रोडक्शंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टेक ट्रेड्स एके प्रतीक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कोलैब विद यू। और ये वीडियो होने वाला है टॉप 5 एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन एप्स के ऊपर। और जी हाँ, जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है इस लिस्ट में की नोवा लॉन्चर, जो है काफी अच्छा लॉन्चर है एंड्रॉइड के लिए, सबसे मिनिमल और प्रीमियम लॉन्चर है एंड्रॉइड के लिए जो हमें कहा जाता है। तो प्ले स्टोर पर आप उसकी रेटिंग देख सकते हैं और सारे एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देन आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कूल इफेक्ट्स इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि नोवा सेटिंग्स और काफ़ी अच्छे अच्छे सेटिंग्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप नीचे देख सकते हैं गूगल पिक्सल 2 जैसा गूगल का सर्च बार लगा सकते हैं, उसके आइकन्स लगा सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं, वॉलपेपर भी अच्छे अच्छे खासे लगा सकते हैं। देन हमारी इस वीक लिस्ट में किसी सेकेंड एप्लीकेशन है वो पिक्सल आइकन पैक नो गट फॉर सेकेंड, उसकी कुछ एप्लीकेशन है, उसकी रेटिंग्स भी आप प्ले स्टोर पर चेक कर सकते हैं, 1 मिलियन के ऊपर के इसके डाउनलोड्स हैं। देन आप उसको इस एप्लीकेशन को आपको चलाने के लिए आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो डाउनलोड किए वाले एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन को ओपन होने में बहुत सारा टाइम लगता है और इंटरनेट एक्सेस लगती है। तो आपको एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपके होम बटन पर प्रेस करना है, देन आपके स्क्रीन के ऊपर जोर से टैप करके नोवा लॉन्चर में सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको लुक एंड फिल नाम का ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन में आप आइकन पैक को सिलेक्ट करके आप सिस्टम का रख सकते हैं या पिक्सल आइकन का आप उसके अंदर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो थर्ड चीज़ है एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन में वो है वॉलपेपर्स। सो हम बात कर रहे हैं वॉलीफाई करके एक ऐप के बारे में जो कि बहुत ही ऑसम है, एंड इसकी सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही रैंडम। और इस ऐप की सबसे यूनिक चीज़ मेरे को जो लगी कि आप जब ऐप ओपन करोगे और जो वॉलपेपर सजेशंस है वो काफ़ी रैंडम है, और अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप इसकी अलग अलग कैटेगरीज में से वॉलपेपर चूज कर सकते हैं। एंड भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज है, मैं काउंट नहीं कर सकता। और इस ऐप के बारे में मेरे को सबसे सही चीज़ लगी कि इसका वॉलपेपर का साइज तो काफ़ी बड़ा है और रेजोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, बट यह सरप्राइजिंगली आपके रैम को स्ट्रेस नहीं करता और इतने टाइम के यूजेज में मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि कोई लैग हो रहा है। देन हमारी इस लिस्ट में कि फोर्थ एप्लीकेशन है अनदर विजेट, वो एप्लीकेशन काफ़ी कूल है। विजेट के लिए एप्लीकेशन आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होगे मेरे स्क्रीन के ऊपर कौन सा विजेट एप्लीकेशन है, तो ये है विजेट की एप्लीकेशन, मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो आपको उस एप्लीकेशन को लगाने के लिए आप जहाँ पे भी डाउनलोड किए उस एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए, देन आपको जो उसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और ऐसे ही कुछ देखने को मिलने वाला है। और इस एप्लीकेशन आपको देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, आपको उस एप्लीकेशन को सेट करने के लिए स्क्रीन पर जोर से टैप करना है, देन विजेट दबाना है, और विजेट में दबाने के बाद आप ऊपर से कोई भी देख सकते हैं कि उसके अंदर विजेट ऐड कर सकते हैं अनदर विजेट में, और देन ऐड करने के बाद आप जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ऐप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जेस्चर अनलॉक। तो आपने बहुत सारे पैटर्न्स ट्राई किए होंगे 3x3 ग्रिड पे या 4x4 ग्रिड पे, बट जो कॉम्बिनेशन इसके साथ अवेलेबल है वो काफी सारे हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी जेस्चर रख सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम ये ऐप ओपन करोगे तो आप अपने हिसाब से जेस्चर रख सकते हो, बस इतने भी क्रिएटिव मत हो जाइएगा कि वो जेस्चर आप वापस ना बना सको, तो ये ध्यान में रखना। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी कि इसका यूआई तो देखने में काफी अच्छा है बट ये आपकी जीपीयू को थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं करता, और मैं जिस फोन पे यूज कर रहा हूँ उसका रैम सिर्फ 2GB है और स्नैपड्रैगन 435 है, बट मेरे को इतने टाइम में कोई भी लैग देखने नहीं मिला। एक और कूल फीचर है इसमें कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई अननोन पर्सन अगर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम जेस्चर ट्राई करे तो वो उसकी एक फोटो ले लेगा, तो इसके बाद आप लोगों को विद प्रूफ पकड़ सकते हो कि वो आपका फोन यूज करने ट्राई कर रहा था। लास्ट में थैंक यू अभय वंस अगेन मेरे को इनवाइट करने के लिए फॉर दिस कोलैबोरेशन, एंड गैजेट गुरु प्रोडक्शंस को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरा पार्ट दिलचस्प लगा हो तो आपको मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कार्ड्स पे मिल जाएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड फ्यूचर में और भी कोलैबोरेशन आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। We'll be right back.